हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वी ऑल नो दैट इन प्रीवियस वीडियो क्लिप और असाइनमेंट्स वी वर डिस्कसिंग हाउ टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ सेवरल मेथड टू सॉल्व सच टाइप ऑफ इक्वेशन। आई थिंक सो फर्स्ट मेथड इज व्हाट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड मेथड इज व्हाट मेथड ऑफ एलिमिनेशन। बट टूडे वी विल डिस्कस अ डिफरेंट मेथड टू सॉल्व सच टाइप ऑफ इक्वेशन ऑल्सो नोन एज व्हाट मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज व्हाट टेक्निकल मेथड। बस इसमें केवल टेक्निक है और कुछ नहीं है, यस ना। और क्वाइट इजी मेथड और वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं क्योंकि अक्सर एग्जाम में इसी मेथड से क्वेश्चन आते हैं, यस नो। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो बेटा, वन कैन इजिली राइट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, assume this is equation 1. a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, assume this is equation 2. be a what? System of pair of linear equation in two variables such that ratio of coefficient of x is not is equal to ratio of coefficient of y. मतलब a1 by a2 is not is equal to b1 by b2. a1 by a2 is not is equal to b1 by 2. ये condition पहले भी पढ़ा चुके हैं। ये condition कब applicable है? जब ये दोनों system of equations का क्या हो? Unique solution हो। कौन सा solution हो? Unique. तभी ये condition possible है। ये condition है तब। Yes? अब चलिए। अब इसको लिखने का क्या टेक्निक है बेटा, देखो वेरिएबल जब भी लिखेंगे, देखो यहाँ पे x, उसके बाद क्या लिखेंगे? माइनस वाई, उसके बाद 1, अल्टरनेट साइन होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो जब भी x को लेंगे, यहां देखो x लिखे, x ये वेरिएबल, इसको बंद कर दीजिए, यस ना। उसके बाद बेटा जो बचता है कॉफिशियंट, उसको आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे कॉफिशियंट क्या बच रहा है? b1 b2 c1 c2 विथ साइन। जैसे b1 का साइन क्या है? प्लस। b2 का साइन क्या है? प्लस। c1 का साइन क्या है? प्लस। c2 का साइन क्या है? प्लस। जैसे है वैसे ही लिख दो। तो x डिवाइडेड बाय क्या लिख दिए? देखो b1 b2 c1 c2। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बोले हैं वेरिएबल क्या लेंगे हम? अल्टरनेट, या प्लस है तो यहाँ माइनस, तो माइनस वाई, तो वाई लिए तो वाई को बंद कर दो, बंद कर दिया वाई को ऐसे। अब जो कोफिशियंट उसको डायरेक्ट लिख दो, क्या बचा इसके बाद? a1 a2 c1 c2। तो a1 a2 c1 c2 दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है? ये कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे क्या कोफिशियंट ले लिए? 1। साइन अल्टरनेट होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस, तो 1 डिवाइडेड बाई, अब कॉन्स्टेंट को बंद कर दो बेटा, जो कोफिशियंट है यहाँ पे देख लो वैसे लिख देना है। क्या लिखे हैं? a1 a2 b1 b2 a1 a2 b1 b2। हो गया, ये हो गया फर्स्ट टेक्निक। सब अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? आई थिंक सो अंडरस्टूड। कुछ नहीं करना है, x डिवाइडेड बाई x को बंद कर दीजिए, जो कोफिशियंट है जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देना है, b1 b2 c1 c2 इजिकल टू माइनस वाई, अल्टरनेट साइन लेना है, प्लस माइनस प्लस, माइनस वाई, वाई को बंद करो, जो कोफिशियंट है वैसे लिखो, a1 a2 c1 c2। फिर बेटा कांस्टेंट है तो यहां 1 लिख दिए, प्लस माइनस प्लस 1, इसको कांस्टेंट बंद कीजिए, जो कोफिशियंट है a1 a2 b1 b2 वैसे लिख दिए। यस, पहला टेक्निक हो गया ये। सेकंड टेक्निक है, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ऑलवेज देखो ये रूल है मल्टीप्लीकेशन, पहले ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर लिए विथ साइन, माइनस फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया, विथ साइन लिखे हैं, साइन छोड़ना नहीं है। देखो यहाँ पे b1 b2 का साइन क्या है? प्लस प्लस, यहां भी प्लस प्लस है। c1 c2 का साइन क्या है? प्लस प्लस, यहां भी प्लस प्लस है। यस, अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है, बोल रहे हैं कि पहले ऐसे करेंगे फिर माइनस फिर ऐसे करेंगे। देखो तो b1 c2 ऐसे साइन मल्टीप्लाई किए, ब्रैकेट ले लिए, ब्रैकेट लेना एकदम नेसेसरी है, b1 c2 ब्रैकेट में, फिर देखो माइनस माइनस फिर b2 c1 फिर ऐसे साइन कर मल्टीप्लाई कर लेना है। यस, फिर माइनस वाई सेम, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे a1 c2 माइनस a2 c1 या c1 a2 जो लिखना है लिखो, इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, देखो a1 b2 पहले देखो ऐसे मल्टीप्लाई करना है, माइनस a2 b1 हो गया, और ब्रैकेट नेसेसरी है, ब्रैकेट नहीं लोगे तो एरर होगी। यस, बस इसमें इतना ही काम करना है, उसके बाद केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अच्छे से करना है, ब्रैकेट अच्छे से लीजिए तो कभी एरर नहीं होगा। दैट्स व्हाई ये बहुत ही क्वाइट सिंपल मेथड है, बस यही दोनों टेक्निक है। अंडरस्टूड? नाउ अब देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको अज्यूम कर लो 1, इसको सेकंड, इसको थर्ड। अब देखो 1 और थर्ड को इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि x डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू 1 बाय दिस बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 2 और थर्ड को इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। यस, नाउ इक्वेट 1 एंड थर्ड, 1 एंड थर्ड करो इक्वेट, क्या हो जाएगा? x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बाय क्रॉस हो जाएगा, x इनटू दिस a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 इनटू 1, वही रह जाएगा,
यस अभी एक्स मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई इक्वल टू उधर जाएगा क्या होगा डिवाइड, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन डिवाइडेड बाई ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, तो मेरा एक्स का वैल्यू मिल गया क्वाइट सिंपल। नाउ इक्वेट टू एंड थर्ड, अब देखो टू एंड थर्ड को इक्वेट कर रहे हैं बेटा, देखो तो टू में क्या है माइनस वाई डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू वन बाई दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस वाई इंटू दिस इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन इंटू वन वही रह जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू वॉट ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन डिवाइडेड बाई ये माइनस साइन के साथ डिवाइड करो माइनस ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, इसको उलट दो बेटा ये माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस वाले को पहले लिख दिए ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू, ये वाई की वैल्यू मिल गई। बस इस मेथड में यही है, इस मेथड बस यही समझना है या आप यहां से इसको कैसे लिखे फिर यहां से मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो मेथड यही है बेटा मल्टीप्लीकेशन का, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व, आप वन कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। नाउ आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड, यस और नो, यस नो, टेक अ सिंपल क्वेश्चन है ना, क्या है पहला क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन, फाइव एक्स प्लस ट्वेल्व वाई इक्वल टू सेवन, इसको बेटा ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करो, एक्स प्लस वाई सेवन को उधर ले जाइए माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, फाइव एक्स प्लस ट्वेल्व वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, एज्यूम दिस इज इक्वेशन वन दिस इज इक्वेशन टू, नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विथ अ जनरल इक्वेशन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पे ए वन की जगह कंपेयर करो, ये दोनों को कंपेयर करो, ए वन की जगह क्या है कोफिशियंट देखो एक्स क्या है वन, बी वन की जगह क्या है वाई का कोफिशियंट क्या है देखो वन, सी वन की जगह क्या है माइनस सेवन, ए टू की जगह देखो क्या है कंपेयर करो फाइव, बी टू की जगह क्या है ट्वेल्व, सी टू की जगह क्या है माइनस सेवन, हो या नहीं हो। अब चलो अब जैसे हम उसमें मेथड था क्या क्या करते थे हम एक्स डिवाइडेड बाई, तो एक्स डिवाइडेड बाई करेंगे तो एक्स को क्लोज कर देंगे, क्लोज किए यस, और उसके बाद जो कोफिशियंट लिखो जैसे तो वाई को कोफिशियंट कितना है वन, यहाँ पे कितना है ट्वेल्व, देखो वन ट्वेल्व लिख दिए, और फिर यहाँ पे क्या बच गया माइनस सेवन, माइनस सेवन बोले थे बेटा विथ साइन लिखना है, जैसे देखो यहाँ पे लिखे थे हम एक्स को एक्स डिवाइडेड बाई, तो एक्स को क्लोज किए तो क्या लिखे थे हम बी वन बी टू कोफिशियंट लिखते हैं, बी वन बी टू यहाँ पे क्या लिखे सी वन सी टू विथ साइन, यहाँ तो सब प्लस प्लस साइन था इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट यहाँ पे देखो प्लस प्लस साइन नहीं है, यहाँ पे क्या है यहाँ पे सी वन की जगह क्या है माइनस सेवन, सी टू की जगह माइनस सेवन, सो बेटा हम क्या लिखे एक्स डिवाइडेड बाई, तो एक्स को क्लोज करो सब कोफिशियंट लिखो, वाई कोफिशियंट कितना है वन, तो वन इसका ट्वेल्व ट्वेल्व लिख दिए ये माइनस सेवन ये माइनस सेवन हो गया, दिस इज इक्वल टू देखो यहाँ पे क्या था माइनस वाई लेते थे अल्टरनेट साइन, तो माइनस वाई ले लिए देखो माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई को क्लोज करो कर दिए क्लोज, अब इसका कोफिशियंट कितना है देखो जो बच गया सो वन और फाइव, वन फाइव लिख दिए क्या बचा यहाँ पे माइनस सेवन माइनस सेवन माइनस सेवन माइनस सेवन इजिकल टू, अब कांस्टेंट हो गया ये तो कांस्टेंट की जगह पे यहाँ क्या लिखते थे देखो यहाँ पे वन वन डिवाइडेड बाई, तो वन डिवाइडेड भी करो यहाँ पे वन डिवाइडेड बाई, तो कांस्टेंट को बंद कर दिए, अब कोफिशियंट कितना बचा देखो यहाँ पे वन फाइव वन ट्वेल्व वन फाइव वन ट्वेल्व दैट्स इट। मल्टीप्लाई कैसे करना है ऑलवेज ऐसे माइनस ऐसे, देखो ऑलवेज मल्टीप्लाई कैसे करना है दिस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस साइन फिर दिस में मल्टीप्लाई करेंगे विथ साइन, हमेशा कैसे करना है विथ साइन, देख लो इस चीज को कैसे किया है देखो, अब देखो ये देखिए यहाँ पे एक्स डिवाइडेड बाई देखो कैसे साइन करेंगे इसको हम एक्स डिवाइडेड बाई देखिए क्या लिखेंगे वन इंटू माइनस सेवन, वन इंटू माइनस सेवन ब्रैकेट लेंगे माइनस ट्वेल्व इंटू माइनस सेवन, एक्स डिवाइडेड बाई वन इंटू माइनस सेवन ब्रैकेट माइनस ट्वेल्व इंटू माइनस सेवन ट्वेल्व इंटू माइनस सेवन, अब देख लीजिए यहां पे इसको एक सेकेंड वेट कर लो, अब देखो समझो यहां पे देखो ये देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना है एक्स डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई कैसे करना है पहले ऐसे माइनस फिर ऐसे, तो एक्स डिवाइडेड बाई पहले मल्टीप्लाई करो वन इंटू माइनस सेवन, वन इंटू माइनस सेवन ब्रैकेट लिए फिर माइनस साइन इंटू ट्वेल्व इंटू माइनस सेवन इंटू ट्वेल्व इंटू माइनस सेवन फिर ब्रैकेट दे दिए, ब्रैकेट नेसेसरी है नहीं तो एरर होगा ऑलवेज, दिस इज इक्वल टू माइनस वाई बाई फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस दिस, तो वन इंटू माइनस सेवन ब्रैकेट लिए माइनस फाइव इंटू माइनस सेवन, दिस इज इक्वल टू वन बाई करो मल्टीप्लाई ऐसे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस क्या हुआ वन इंटू ट्वेल्व माइनस फाइव इंटू वन, वन इंटू ट्वेल्व माइनस फाइव इंटू वन, ओके आई थिंक सो। अब देखो ब्रैकेट ओपन करो एक्स डिवाइडेड बाई वन इंटू माइनस सेवन कितना हुआ माइनस सेवन, अब देखो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ट्वेल्व सेवन जा कितना हुआ एटी फोर, तो प्लस एटी फोर दिस इज इक्वल टू
माइनस वाई भाई देखो वन इंटू माइनस सेवन, माइनस सेवन देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो फाइव सेवन जा थर्टी फाइव, प्लस थर्टी फाइव इजिकल टू वन बाई ट्वेल्व माइनस फाइव हो गया। फिर करो सॉल्व, एक्स डिवाइडेड कितना एटी फोर माइनस सेवन सेवेंटी सेवन, माइनस वाई डिवाइडेड बाई थर्टी फाइव माइनस सेवन ट्वेंटी एट, वन बाई सेवन आ गया। एज्यूम दिस इज ये फर्स्ट, ये दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। नाउ फर्स्ट और थर्ड को बस इक्वेट करो, फर्स्ट थर्ड को इक्वेट के क्या हुआ, एक्स बाई सेवेंटी सेवन इजिकल टू वन बाई सेवन, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए सेवन एक्स इजकल टू सेवेंटी सेवन, तो एक्स इजकल टू सेवेंटी सेवन बाई सेवन इजकल टू कितना है इलेवन, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई इलेवन। नाउ इक्वेट सेकेंड एंड थर्ड, देखो ऐसे इक्वेट करना है वन एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, तो क्या हुआ सेकेंड थर्ड क्या है माइनस वाई बाई ट्वेंटी एट इजकल टू वन बाई सेवन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो माइनस सेवन वाई इजकल टू ट्वेंटी एट, तो वाई इजकल टू कितना होगा ट्वेंटी एट बाई माइनस सेवन माइनस फोर, सो वाई की वैल्यू कितनी आ गई माइनस फोर। क्वाइट सिंपल, बस ये लिखना है, उसके बाद मल्टीप्लाई कैसे करना है ये चेक कर लेना है। आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड।